ओके गाइस, सो फाइनली वन वीक बाद एक नई वीडियो आ रही है और आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने वाले स्टैंड ऑफ टू, जो कि एक बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड के लिए FPS गेम है। अगर आप CS:GO वगैरह के ऊपर जानते हैं तो भाई ये एकदम सिमिलर गेम है, उसकी ही आप कॉपी बोल सकते हैं, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा बेस्ट गेम एंड्रॉयड के लिए। और आज हम इसका एलाइज में मैच करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा होने वाला अपना मैच। तो इस गेम के अंदर बहुत सारे मैचेस हैं, यानी कि बहुत सारे मैप्स हैं, जैसे टीम डेथ मैच हो गया या फिर फ्यूज का हो गया, जिसमें बेसिकली हमें बम प्लांट करना होता है और दूसरी टीम को उसके आगे डिफ्यूज करना होता है। अब टीम हम खुद चूज करते हैं, या तो हम काउंटर टाइप्स में जाएंगे टेररिस्ट को बम प्लांट करना होता है, काउंटर को डिफ्यूज। अब जैसे एलाइज है तो इसमें हमें टीम खुद मिल जाएगी और यहाँ पे अपना गेम हो चुका है ओपन। ओके, तो अभी भाई यहाँ पे वार्म अप 30 सेकंड्स का रहता है, जो कि अगर किसी के पास फास्ट फोन है तो उसका 1 मिनट से ऊपर का वार्म अप मिलता है। और भाई ओके, इसके पास AKR थी इसलिए हम जल्दी मर गए। मैं कोई फालतू की बंदूक कभी लेके नहीं गया था, फालतू की लेके गया था मतलब अच्छी वाली नहीं लेके गया था। ओके, तो अब मैंने यहाँ से अच्छी वाली बंदूक उठा दी है, जो कि है M4A1। वैसे मैं M16 भी ले सकता था, लेकिन M4A1 की बात ही अलग है। और भाई अबे बंदे को देखना है, बंदा कहाँ पर मिल सकता है। 1 सेकंड का वार्मअप है और ये भाई उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बढ़ाई है, तो भाई इनसे बहुत ज़्यादा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपनी रैंक गिरती है। तो रैंक गिरेगी तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, और रैंक बढ़ेगी तो मज़े आएंगे। और रैंक के गेम इसमें सिर्फ दो ही है, कॉम्पिटिटिव और एक एलाइज है, जिसमें साथ हम एलाइज खेलने वाले। ओके, देखते हैं ये मेरा। ओके, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। अभी भाई देखो इतनी देर हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही। सो अभी भाई दोनों के दोनों बंदे दूसरी साइड है, उसने हमारे एक प्लेयर को मार दिया है। ओके, चलते हैं हम यहाँ से, बैठ के चलते हैं। वैसे इसमें बैठने का एक सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है, जो कि होल्ड का है। नहीं, बैठने का तो सही है, यानी कि स्कोप का सही नहीं है। स्कोप में भाई इसमें हमें होल्ड का ऑप्शन नहीं देते ये, स्कोप में हमें डायरेक्ट भाई दबा के नहीं दबाएंगे तो ओपन होएगा, एक बार वापस दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। उससे समझूंगा भाई, भाई उसको डैमेज नहीं गया इतना ज़्यादा, सिर्फ 32 का डैमेज गया। मेरा प्लेयर मेरे से पूछ रहा है क्या हुआ भाई, क्या ही पता है क्या हुआ। अब सीन तो बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुका है। MP7 लेके चलते हैं, और अब मैं लेफ्ट साइड से जाऊँगा, यहाँ पे ही बंदे आ रहे हैं, मैंने कई बार देख लिया। फ्लैश यार, इसमें हमें 3 टाइप ये किसी को मार सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं। ओके, इस पर शॉटगन है, बहुत ज़्यादा बैंक कर गया है दूसरे वाले को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर था इसलिए वो मरा नहीं, अगर पास में होता तो भाई फोड़ देता है बंदा। ओके, तो अभी हम वापस P90 लेके जा रहे हैं, वापस नहीं शायद फर्स्ट टाइम ले रहे थे, पिछली बार में हमने MP7 ली थी। अब P90 से जाके देखते कितने भयंकर वाले किल होते हैं। तो सबसे पहले भाई हम उनको फ्लैश मारते हैं। ओके, तो फ्लैश हो चुका है भाई, भाई साहब इसके अंदर भाई गोली है, वो 50 भी भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी हर एक गेम में 30 होती है। सिर्फ एक P90 जिसमें हमें 50 गोली मिलती है, लेकिन P90 का डैमेज बहुत ज़्यादा कम है। और ये पूरा गेम स्किल्स के बेस पे, इसमें कोई ऑटो फायर है ही नहीं, इस गेम में ऐसी कोई सेटिंग नहीं जिसमें ऑटो फायर, तो इसलिए मैं इस गेम बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। ईजीली फ्लैश तो वही होंगे, क्योंकि बंदे हैं काफ़ी, दूसरा प्लेयर अगर देखना ये कि मारेगा तो मारेगा। ठीक है, एकदम सही खेल रहा है वो, और मार भाई। ओके, एक तो गैप काफ़ी खराब हो गया, लेकिन अपने को असिस्ट नहीं चाहिए, अब अपने को भाई दूसरे बंदे को जाके मारना है। सिर्फ 11 ही गोली है, मरे ना भाई, अगर भाई बम फेंकनी बहुत चुकी जाती थी, लेकिन बच गए। इसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि हेड पे मारे, लेकिन ये मार नहीं पाया। तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ खेल के देखते क्या होने वाला है। फोर एवन उठाते हैं, 2 बम हो गए और अपना कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि कॉइन्स लिमिटेड ही मिलते हैं हर मैच में। अगर हम जीतेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉइन मिलेंगे। अब क्या मैं इस साइड से जाके देखते भाई, अगर वो बेस पे बैठे हुए मिलते
भाई मजे से आ जाएंगे। ओके अभी तक तो यहाँ पे कोई गया नहीं, और शायद सामने भी कोई नहीं गया, यहाँ पे ही दोनों को भाई डबल किल। दो ही बंदे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव मैच होता है भाई, उसमें पांच पांच बंदे होते हैं और उसमें पूरा पूरा मैप अवेलेबल होता है। इसमें आपने देखा होगा साइड साइड में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, बैरियर्स लगे हुए थे जहाँ पे हम जा नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा सी एल आईज यानी 2v2 है केस में भाई, स्कोप काफ़ी ज़्यादा भयंकर है और जल्दी फ्लैश करते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि अब तक एक भी गोली नहीं चली है भाई। वो देख भाई सब, मेरे ख्याल से वो बम प्लांट करने गए हैं। बम प्लांट भाई आगे से ही जाऊँगा मैं, क्योंकि पीछे की साइड से चले ऐसे देखना पड़ेगा भाई। अब पीछे से चलते हैं, अब तो फोड़ ही दिया है। कूदने वाला सिस्टम यार बहुत ज़्यादा बेकार सा है। यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख जाए तो भाई बस बहुत ज़्यादा बंदा मरा ही नहीं, मेरे को मार गया। इसके पास शॉट गन थी और भाई इसने भी अब जाकर डिफ्यूज पे नहीं लगाई। इसमें हमें डिफ्यूज किट लेनी पड़ती ताकि बम सिर्फ 4 सेकंड के अंदर डिफ्यूज हो जाए, वरना उसको 8 सेकंड देने पड़ते हैं, 8-10 सेकंड देने पड़ते हैं, वरना 5 सेकंड देता है बेसिकली। तो 40 सेकंड्स होती बम प्लांट करने के बाद अपने पास आई। और इसमें टोटल टोटल अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 15 मैचेस होते हैं, जिससे अपना रिजल्ट अपने को पता चल जाएगा। बाकी दूसरा बंदा अपना उस साइड गया था, वहीं पे दोनों दोनों बंदे मैं इजीली उनको जाके मार सकता हूँ। उनकी शॉर्ट गन भी पड़ी हुई थी लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा सही गन है। और एक नीचे की साइड कुदानी वो बम प्लांट कर रहे हैं, बम प्लांट करने का एकदम श्योर है भाई मैच को हार जाए। ओके एक बंदा जस्ट मेरे नीचे ही है, एक तो वहाँ से निकल गया, ये मैं काट गया। मेरे को लग रहा था मेरे नीचे कोई ना कोई तो है क्योंकि वहाँ पे एक डॉट आ रही थी। इसमें डॉट तभी आती है जब हम किसी बंदे को देख लें, तब वो सारी सारी मैप में रिवील हो जाएगी। सो गाइस स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा आप पीछे चल रहे, लेकिन टेररिस्ट आ चुकी है और टेररिस्ट में जो गन मिलती है उनसे खतरनाक गन भाई मैंने आपको देखी है। एनकाउंटर की मेरे को प्रैक्टिस है लेकिन अभी थोड़ी न्यू न्यू चीज़ें हैं भाई, फ़ोन नए हुआ है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही है अभी। यहाँ से एक बंदा ज़रूर मिलेगा बोला, क्या उसको जल्दी से जाके मारते भाई, अपने दूसरा बंदा आ चुका है मार देगा। ये वाला भाई काफ़ी ज़्यादा इजीली हम मैच जीतने वाले। वहाँ पे एक और बंदा मैं यहाँ से जाऊँ तो लेकिन घूम के जाएँ तो फिर वहाँ से कब जाएँ। वाएगा तो देखो यही से निकलना, तो उसको यही से पड़ेगा। वो दूसरी गली में चला गया है घूम फिर के, तो है तो यही पे बम प्लांट करते हो, थोड़े बहुत अपने स्कोर बढ़ा लेते हैं। 13 का अपना स्कोर इसके में भी बेसिकली ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, उस 5-6 स्कोर मिलता है अगर हम बिना डिफ्यूज किट के करें तो। कई बार डिफ्यूज किट के साथ भी हमें उतना स्कोर मिल जाता है, लेकिन भाई अब हमें बहुत जीतना है। सो जीतने के लिए तो भाई हमें बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, और मेरे को पता है वो कहाँ से आएंगे। फिर भी लगे मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेता हूँ क्योंकि जो हमारा पीछे से आएंगे उसका पता चल चुका है। इसमें बहुत सारी छुपने की जगह भी भाई इस गेम में, बाकी मेरे को ये नहीं पता मैं प्रोसन का ट्रैफिक खेल रहा हूँ, खेल में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं अब। ओके तो बंदा आ चुके हैं भाई ऊपर से, और मतलब एक भाई सब क्या ही तो मारा है। ओपी गाइस ओपी इन द चैट तो आप बोल नहीं सकते कि लाइव स्ट्रीम तो चल नहीं रही, इसलिए कमेंट्स में ओपी लिख दो। ओके सो फाइनली गाइस मेरे को एक कैट सबसे ज़्यादा पसंद है, एक कैट 12 हालांकि हमें स्कोप मिलता है लेकिन उसका इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, डैमेज वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है तब जाके कुछ। और वो बंदे मेरे ख्याल से वापस पीछे की साइड से आए, देखते भाई क्या। बाकी हमारा टीम प्लेयर तो यहीं पर आ चुका है, मेरे पास भी अभी एक स्मोक है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्मोक करके प्लांट कर देते हैं, कि यहाँ पे स्मोक हो जाएगा यहाँ पे अपना बम प्लांटिंग पे खड़े होते और ये अपना इतना ही था ना, कुछ देख के भाई साइड में से मारेगा
इधर साइड में लकड़ी है, इससे भी आर पार होती है भाई वो भी। मतलब एक बंदा जरूर यहाँ पे आएगा पूरा, बॉर्डर बीच में आ गया वरना पक्का ये हमारा किल होता भाई। अब सबसे पहले तो मैं कूदने वाला बटन भी साइड में कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है इसको, थोड़ा स्लो करते हैं। बाद में मैं इसे थोड़ा सेट कर लूँगा, बाकी अभी अपने FPS तो काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके एक यार ही लेंगे भाई और चलते आगे मैच में। अब के बड़ा सामने से जाने वाला होगा, इसको बम दे देते, इसको काफ़ी जाना होगा चला जाएगा। अपा जब सामने से जाएंगे उन्हें डायरेक्ट यहीं से किल करेंगे, क्योंकि अब की बार मेरे को लगता नहीं कि वो यहाँ पे आएंगे। और किसी ने फ्लैश तो किया था पीछे, वही वहाँ पीछे की साइड गया था, इसलिए कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है, इन डिब्बों के पीछे भाई बंदे बैठे रहते हैं। मैं छुपने की तो हजारों जगह है, और ये गैप फ्लैश और ये भी फ्लैश देखते हैं कोने में। और वो भी हाँ इस साइड थोड़ा बहुत लेट हो गया देखने में, बाकी ये भी बड़ी वाला क्योंकि साइड में सफाई से आर पार हो जाती है इन डिब्बों के, यानी बड़े वाले डिब्बों के नहीं होते, उनके बीच में से हो जाते हैं, उनके बीच में गैप है, उनके नीचे से भी हम गोली मार सकते हैं। बम हैज बीन डिफ्यूज्ड, बाकी ये डिफेंस के टेररिस्ट विन, पर हम यहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल 7 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 4 तो जीते हैं। मेरे को नहीं पता उनकी कितनी ज़्यादा रैंक है, क्योंकि उनकी रैंक पे बेस पे हमारी रैंक गिरेगी। अगर उनमें से दोनों बंदे अगर सिल्वर 2 के हुए तो फिर मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट सिल्वर 1 के, मेरी से बेस्ट रैंक सिल्वर 2 ही है एलाइज में, और कॉप में मेरी ब्रॉन्ज 4 है, क्योंकि मैं कॉप बहुत ज़्यादा कम खेल रहा हूँ। लोड करते और जल्दी से आगे साइड देखते हैं उनको भी मारते भाई, जो दूसरा बंदा वो वहीं पे है, बच जीत सकते हैं इजीली, बस मैं मर ना जाऊँ। ओके भाई फैसनी में रह गया और हमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, बाकी अब मेरे पास एक यार 12 है। कोई नहीं, मैं दोनों गन से खेलता हूँ, क्योंकि एक यार 12 भी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसको बम देते हैं। ओके जल्दी से चलते हैं भाई आगे, इसने बम पीछे की साइड फेंक दिया है, मेरे को नहीं पता क्यों फेंका, लेकिन मेरे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत देगा। हाँ ईसा मैं क्या ही तो बोलूँ, प्लस ऐसी चीज़ें हैं काफ़ी जल्दी से जाकर अपने को काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, उसको यही पीछे साइड जाता हूँ भाई से, क्योंकि उनके दो बंदे जिंदा और मैं अकेला हूँ, तो मेरे को अब लग रहा है कि मैं इजीली मर सकता हूँ, जीत भी सकते ऐसी बात नहीं है। वो बंदा मेरे को दिख जाए ना भाई, उसको यहीं पे उड़ा दे, लेकिन बस बंदा मिलना चाहिए अब, बंदा पता नहीं कहाँ पे जाकर छुप गया है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा राइट साइड में हमें कई बार दिखता नहीं है भाई बंदा, और वहीं पे बैठा हुआ होता है। ऐसे मैं कल खेल रहा था कॉप में भाई, चार चार घंटे मेरे सामने से यहाँ पे बैठा हुआ, वही मिल सकता वहीं पे बैठा हुआ।